हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है अनदर राउंड, जो कि डेनिश सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये इस साल के ऑस्कर्स में विनर है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में। और साथ ही इस वक्त स्ट्रीम हो रही है एप्पल टीवी प्लस के रेंटल और परचेज स्ट्रीमिंग वीडियो पर और साथ ही बुक माई शो के आइसक्रीम पर। ये फिल्म को प्रोडक्शन है डेनमार्क, द नीदरलैंड्स और स्वीडन के बीच में और इसका डेनिश नाम है द ड्रक, जिसका मतलब होता है शौक या शराब पीने का जलसा। यह इस साल के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में मौजूद थी और दुनिया भर के कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कई सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। इसको डायरेक्ट किया है थॉमस विंटरबर्ग ने, जो इस साल के ऑस्कर्स में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में मौजूद थे और मेरे फेवरेट डायरेक्टर लार्स वैन ट्रियर के बाद के ये दूसरे डेनिश डायरेक्टर है जो इतने पॉपुलर है। इन्होंने सबसे पहले 1998 में एक फिल्म की थी द सेलिब्रेशन, जिसको उस साल कांस में जूरी प्राइज था। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल लिए अपनी दूसरी फिल्म बनाने में और फिर बनाई उन्होंने 2003 में इट्स ऑल अबाउट लव, जो कि इंग्लिश फिल्म थी और उसकी स्टार कास्ट में थे शॉन पेन, क्लेयर डेंस और हॉकिन फिनिक्स। फिर 2010 में उन्होंने बनाई थी सबमरीनो, जो कि उस साल बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बियर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड थी। और फिर थी 2012 में द हंट, जो उस साल बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर्स में नॉमिनेटेड थी। बड़ी ही प्रभावशाली फिल्में बनाने वाले ये यंग डायरेक्टर जब इस फिल्म के लिए यानी कि अनदर राउंड के लिए 5 या 6 दिन पहले 25 अप्रैल 2021 को जब बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे, तब उन्होंने इस अवार्ड को समर्पित किया अपनी उस बेटी के नाम, जिसको वो इस फिल्म की शूटिंग के 4 दिन के बाद ही एक कार एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं। इस डेनिश फिल्म के अमेरिकन रीमेक राइट्स लियोनार्डो डिकैप्रियो की कंपनी ने खरीद लिए हैं और वो इस फिल्म के मेन लीड करने वाले हैं, जो एक्चुअली इस फिल्म में मैड्स मिकेलसन ने किया है। ये डेनिश एक्टर डेनमार्क के अलावा हॉलीवुड में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने 2006 में एक फिल्म की थी कैसिनो रॉयल, जिसमें वो जेम्स बॉन्ड के विलेन बने थे। ये एक्टर भी है, जिमनास्ट भी है और डांसर भी है और इस फिल्म के क्लाइमेक्स का उनका डांस काफ़ी चर्चा में है। कहानी सेट है कॉपनहेगन में, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, जहाँ 4 दोस्त हैं और ये चारों दोस्त टीचर्स हैं और वो अपनी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बोरिंग जॉब और अनइंस्पायर्ड स्टूडेंट्स और मोनोटोनस पर्सनल लाइफ से जूझते हुए एक दोस्त के 40वें बर्थडे में वो डिस्कस करते हैं नॉर्वियन साइकेट्रिस्ट फिंस कार्डेरूट को, जिसकी थ्योरी कहती है कि हमारी बॉडी में अगर 0.05 BAC ब्लड अल्कोहल कंटेंट रहा तो हम बड़े ही क्रिएटिव और रिलैक्स रह सकते हैं। चूंकि ये चारों और इन चारों में खासकर मेन लीड मार्टिन बड़े ही लो एस्टीम और बड़े ही पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो ये तय कर लेता है कि ये रास्ता सही है और वो दिन में ही बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ी थोड़ी शराब पीना शुरू कर देता है। उसकी देखा देखी बाकी तीनों दोस्त भी यही करते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनके प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मार्टिन को अचानक ही अपने पढ़ाने में काफ़ी दिलचस्पी आनी शुरू हो जाती है और उसकी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सुलह हो जाती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस एकाएक बढ़ जाता है और फिर वो ब्लड अल्कोहल कंटेंट की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब वो उसे कर देते हैं 0.10%। बावजूद इसके उनकी लाइफ और भी खूबसूरत होते चले जाती है और उनका कॉन्फिडेंस और उनका ड्रिंकिंग का पैशन और भी बढ़ने लगता है। अब वो बिंज ड्रिंकिंग करने लग जाती है, यानी कि आप तब तक पी रहे हो जब तक आप होश न गवा दो या शीर्ष पर न पहुंच जाओ। ये पीने का मजा उनको कहां तक ले जाता है और क्या ये नशा उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को बैलेंस कर पाता है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देती है ये बड़ी ही फिलोसॉफिकल लेकिन जिंदगी को बड़े ही उन्मुक्त ढंग से सेलिब्रेट करने का हौसला देने वाली बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिल्म, जिसे देखने के मैं आपको कम से कम 7 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीजन है प्रोडक्शन। ये 4थी डेनिश फिल्म है जिसने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। इसके प्रोड्यूसर्स है सिसे ग्राम जॉर्गेंसन और कैस्पर डिसिंग, जिन्होंने एक बड़ी ही अनकन्वेंशनल स्टोरी को इस स्केल में प्रोड्यूस करके एक बड़ा रिस्क लिया है और वो रिस्क उन्हें पे कर गया है।
दूसरा रीजन है राइटिंग। डायरेक्टर थॉमस विंटरबर्ग के अलावा है टॉबियस लिनहॉम, जिन्होंने इस मॉडर्न स्क्रीन प्ले राइटिंग में गजब की प्रतिभा दिखाई है। कैरेक्टर्स के ग्राफ और उनका इमोशनल क्वोशेंट, और फिर डेनमार्क का सोशियो पॉलिटिकल अंडरकरंट, और फिर उसका साइकोलॉजिकल बेस बनाकर एक एंगेजिंग कहानी कहना कोई इनसे सीखे। तीसरा रीजन है डायरेक्शन। थॉमस विंटरबर्ग के डायरेक्शन में एक एनर्जी है, एक स्टाइल है, एक हुक है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस है। मैच्योरिटी और आर्टिस्ट के साथ उनकी कैमरेडरी दिखाई देती है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और इस फ्री फ्लोइंग सेलिब्रेशन में, जो कि एक ब्रिलियंट डायरेक्टर की पहचान है। चौथा रीजन है म्यूजिक। इस फिल्म में म्यूजिक एक कैरेक्टर है, क्योंकि इन चार दोस्तों में से एक म्यूजिक टीचर है। बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है, और साथ ही साथ फिर क्लाइमेक्स में स्कारलेट प्लेजर का वो गाना व्हाट अ लाइफ, सुपर सुपर इंप्रेसिव। पांचवा रीजन है सिनेमाटोग्राफी। स्टारला ब्रैंड ग्रूवलन है इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने बड़े ही ब्रिलियंटली कोपेनहेगन की ब्यूटी को कैप्चर किया है। ज़्यादातर शॉट्स उन्होंने नेचुरल लाइट्स में लेने की कोशिश की है, और जो पूरे सीक्वेंसेस और शॉट्स बन पड़े हैं वो बड़े ही आई कैचिंग है। छठा रीजन है सपोर्टिंग स्टारकास्ट। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर मैट्स मिकलसन के अलावा जो उनके तीन दोस्त बने हैं, उनमें एक है थॉमस बो लार्सन, दूसरे है लार्स रांथे, और तीसरे है मैग्नस मिलान, और इन तीनों ने बड़ा ही नेचुरल और कॉम्पिटेबल काम किया है। साथ ही साथ मैट्स की जो वाइफ बनी है वो है मारिया बोने भी, उन्होंने भी अमेजिंग काम किया, क्लासी है ये सारे। और सातवां रीजन है मैड्स मिकलसन। ये डेनिश एक्टर इस वक्त टॉप फॉर्म में है, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लोज और उसके बाद पर्सनल ट्रेजिडी को बड़ी ही संयमता और कुशलता से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, और फिर क्लाइमेक्स में इनका जैज बैले डांस, वो भी नशे में धुत होकर, ये इमेजेस इतनी गजब की है कि ये फॉर एवर आपके माइंड में कैद होकर रह जाएगी, इतना इम्पैक्टफुल काम है इस एक्टर का। इन सात कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म न्यू वेव सिनेमा को रिप्रेजेंट करती है। जिन इश्यूज और जिन इमोशंस को ये रिवील करती है वो टॉपिकल है और रिलेवेंट भी। साथ ही साथ इस फिल्म के पूरे एग्जीक्यूशन में एक फिलोसॉफिकल बेंड है, इसलिए जितने ये लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं शराब पीते वक्त इस फिल्म में, उतनी खूबसूरती से ये फिल्म अपना ग्रेस भी मेंटेन करती है। इसलिए ये फिल्म एक नशा है। अनदर राउंड, गो फॉर इट। We'll be right back.